हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश मीडियम में है। वर्कशीट का नंबर है 10, डेट आपकी 19 अगस्त, क्लास आपकी 7। तो सभी बच्चे अपनी अपनी साइंस की नोटबुक निकालेंगे जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पुराने स्टूडेंट जानते होंगे इस बारे में कि मैंने अपने चैनल पर एक गेम स्टार्ट कर रखा है जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देता है उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे जिससे मैं आपको ये वर्कशीट करा सकूं और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। ठीक है बच्चों, देखिए जो पुराने बच्चे हैं, अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हो गेम के बारे में कि कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे, कैसे कैसे आपके घर पर गिफ्ट सेंड किया जाएगा, कैसे कैसे आपका नाम पता चलेगा कि आप सेलेक्टेड हुए हो, ठीक है, उसकी मैं पूरी डिटेल बताऊँगा। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या बच्चों, साइंस। ठीक है, क्लास आपकी 7, वर्कशीट का नंबर बच्चों आपका 10 है। ठीक है, और 19 अगस्त की है वर्कशीट है, 19 अगस्त वर्कशीट का नंबर 10। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लासेज का नाम, ये सब आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेंगे, फिर आपको टॉपिक डालना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फिर आपको सब टॉपिक डालना है, सब टॉपिक। ठीक है, ठीक है, सब टॉपिक डालेंगे, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूथ डिके। ठीक है, आपके दूध के दांत, ठीक है, हमेशा वाले दांत, स्वीट्स पढ़ेंगे मीठे के बारे में, और जो आपके टूथ, ठीक है, जो कीड़े लग जाते हैं दांतों के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे यहाँ तक फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको ये पूरा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है क्लास 7th, वर्कशीट का नंबर डालना है बच्चों, डेट डालेंगे आप लोग, फिर अपना टॉपिक लिखेंगे और सब टॉपिक लिखेंगे। देखो क्यों लिखने को बोलता हूँ मैं आपको टॉपिक और सब टॉपिक, क्योंकि आप लोग अगर कल को अपनी वर्कशीट रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी वर्कशीट का क्वेश्चन नीचे किए हुए हैं और कौन सा टॉपिक है उसका। ठीक है, तो इससे आपको पता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, एक दिन आप घर पे खाना खा रहे थे, राजू अ 7-year-old बॉय, एक 7 साल का बच्चा राजू, ठीक है, फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूज। ठीक है, वो ने देखा कि उसका जो टीथ है वो लॉस कर चुका है। ही स्टार्टेड क्राइंग विथ फियर टू लॉस हिज टीथ परमानेंटली, हिज मदर स्माइल्ड। ठीक है, उसका क्या है, खाते हुए उसका दांत निकल गया, तो वो बहुत डर गया और चिल्लाने लगा कि उसने अपना दांत हमेशा के लिए खो दिया। हिज मदर, उसकी मदर ने स्माइल किया एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ। ठीक है, उसने उसे दूध के दांत के बारे में बताया। ठीक है, दूध के दांत के बारे में एंड परमानेंट टीथ के बारे में। ठीक है, मिल्क टीथ, अब देखिए मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ के बारे में। फूड इज टेकन थ्रू माउथ वेयर इट्स गेट ब्रेकन डाउन इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, हम जब खाना अपने मुँह के अंदर लेते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दांत के द्वारा। ठीक है, टीथ के हेल्प से, बट वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। ठीक है, बस लेकिन हमारे दांत जो है सिर्फ 2 बार सेट होते हैं, 2 बार आते हैं पूरे हमारे लाइफ स्पान के अंदर। लाइफ स्पान मतलब जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, मिल्क टीथ, अब देखिए मिल्क टीथ के अंदर पढ़ते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, 1 से 2 साल के अंदर आपके दांत आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या आप जब छोटे होगे तो आप अपने घर वालों से पूछना, आपके 1 से 2 साल में सारे दांत आ गए थे। दे फॉल ऑफ द एज स्टेज बिटवीन, ठीक है, 6 to 8 years, तो आपके कब टूटते हैं, 6 से 8 साल के बीच में आपके दांत टूटते हैं दूध वाले। ठीक है, दीज आर टर्म मिल्क टीथ। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, आप लिखेंगे ओ यस वी ऑल हैव लॉस्ट अवर मिल्क। ठीक है, तो आप में जितने भी बच्चे हो, आप सभी बच्चे 10 साल से ऊपर हो गए अप्रोक्स, ठीक है, तो आप लोग अपने दूध के दांत खो चुके होंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किसने किसने अपने दूध के दांत खो दिए हैं। ठीक है, होपफुली सभी बच्चे 99% वही होंगे। ठीक है, सारे ही बच्चे वही होंगे।
देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ, ठीक है, अभी के हिसाब से आपके कौन से दांत हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, परमानेंट टीथ बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। अब देखिए परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस बाय मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ, ठीक है, ये किसके बाद आते हैं आपके मिल्क टीथ के बाद ये आते हैं, तो इसलिए हमने बोला रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके लास्ट ऑफ लाइफ के होते हैं, मतलब एक ये आपके जिंदगी भर चलेंगे, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है, हमारे बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापे में जाके ये दांत टूटेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी ICPM, ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे चैनल से वर्कशीट करता उसे मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, ये वाले ICPM, इसमें क्या है आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखो आई से आपका इंसीजर, ठीक है, मैंने जो अपने टाइम पे याद किए थे ये सब, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, इंसीजर आपके शुरू में आते हैं, ठीक है, जो आपके शुरू के दांत होते हैं वो आपके इंसीजर होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके होते हैं ये कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, ये वाले आपके सी हो गए कैनाइन, ये आपके आई हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़े वाले दांत आ जाते हैं, ठीक है, ये आपके कौन से होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, बिल्कुल लास्ट के आपके प्रीमोलर और मोलर होते हैं, ये प्रीमोलर और ये मोलर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे बताया था, आप ऐसे याद करिए ICPM, ठीक है, इधर भी ऐसे ICPM, तो आपको ये ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है, आई से आपका इंसीजर्स हो गए, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, तो ये बच्चों ट्रिक है याद करने की। देखो आप कोई भी चीज़ अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे, ट्रिक से पढ़ोगे, तो आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी नहीं बोलोगे, जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप ICPM हमेशा याद रखोगे ज़िंदगी भर, तो डेफिनेटली आप कभी नहीं बोल सकते। और अगर जिस बच्चे को मेडिकल लाइन में जाना है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत इजी होती है साइंस, मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल भी देखा होगा, और जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं, मैं वीडियो भी पोस्ट करता रहता हूँ जैसे हॉस्पिटल लाइन से थ्रू, ठीक है। तो आप लोग भी अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेरे चैनल से, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन मेडिकल लाइन में जाना चाहता है या फिर नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें दिया गया टूथ डिके, इसमें आपका दिया है टूथ डिके के बारे में, मतलब दांत कैसे सड़ जाता है, उसमें कैसे बैक्टीरिया लग जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ, ठीक है। देखो आपने कुछ भी खाया, आपका क्या वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, ठीक है, माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सिस स्वीट्स चॉकलेट्स, ठीक है, आपने मान लो मीठा खाया, ठीक है, उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, और देखिए दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। देखो क्या होता है, जो आप शुगर खाते हो कोई भी, ठीक है, वो क्या करता है, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, आपने शुगर खाया, वो क्या शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, एक तरीके से उसको खाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, जो आपने जो बचा हुआ आपका फूड है वहाँ पे, उसमें से क्या करते हैं, शुगर खाते हैं और उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, और क्या करते हैं, फिर वहीं पे वो एसिड रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी जिसके थ्रू क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे 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 आपका दांत क्या सड़ने लग जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप समझे होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें दिया गया है डेंटल केयर गुड हैबिट, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें क्या करना चाहिए, ट्वाइस ऐसे लिखते हैं, देखो टू डी, ठीक है, जैसे आप दवाई लेने जाते होगे डॉक्टर पे, वो लिखता है बी डी, ठीक है, टी डी एस, ठीक है, ओ डी, तो हमारे ये हो गया बी डी, मतलब कम से कम, ठीक है, ये मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो मेडिकल लाइन में बहुत कम आएगी, आपका बी डी हो गया, ठीक है, बी डी मतलब होता है दिन में दो बार, दिन में दो बार, तो आपने कभी दवाई का पर्चा देखा उसमें आपने बी डी लिखा देखोगे, देखो आज ये बता देता हूँ मैं, अगर आप बी डी लिखे देख रहे हो तो आपको दिन में दो बार लेनी है, अगर आप ओ डी लिखे देख रहे हो तो एक बार लेनी है, और आप टी डी एस, ठीक है, टी डी एस लिखा देख रहे हो तो आपको ये तीन बार लेनी है, ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये तीन चीज़ मेन है जो आपकी यूज होती होगी। ठीक है, वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश, ब्रश के साथ आपको क्लीन करना है एटलीस्ट 2 बार दिन में। ठीक है, बीडी। अब आपको वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, रिंस का देखो मतलब क्या होता है। ठीक है, रिंस का मतलब ये होता है हल्का सा आप नमक के पानी से कीजिए, ठीक है, या फिर गर्म पानी से। ठीक है, आप अगर नॉर्मली पानी से करेंगे इतना बेनिफिट नहीं आएगा, अगर आपका सलाइन का पानी होगा ना, सलाइन का, ठीक है, इसे कहते हैं हम NaCl, कितना 0.999%, ठीक है, 0.9% का अगर आपके पास कोई NaCl है तो आप उससे अगर अपने माउथ को रिंस करेंगे दो एवरी मील के बाद, तो डेफिनेटली आपके कभी उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, और थर्ड में वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉशेबल ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। ठीक है, कोई भी देखो बैक्टीरिया कहीं से भी जा सकता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मुंह डालनी चाहिए जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, तो ये थी आज आपकी वर्कशीट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है। अब आप लोग अपना नोटबुक और पेन ले सकते हैं, जिससे आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। फटाफट सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर टीथ पर लास्ट टाइम। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। आपकी एज क्या थी उस समय जब आपने अपने मिल्क वाले दूध खो दिए थे। ठीक है, जब आपके दांत टूट गए थे, तो आपको उसके एज बतानी है बच्चों। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ये पेन का वो कर लूं। एक सेकंड बच्चों, इसको बंद करके मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, जिससे ये पेन अभी आ नहीं रहा, जिससे मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिख के समझाता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसे एंड प्रोसेस करके दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई बच्चा मुझे सजेस्ट कर सकता है कि कौन सी विंडो अच्छी होगी। मैंने अभी विंडो 8.1 डाली हुई है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं कोई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा वापस आ गया है, हम करते हैं। तो आपकी एज देखो, या तो 6 रही होगी या 7 या 8। ठीक है, इन तीनों में से एक एज रही होगी, तो आप लिख देंगे इसमें आंसर नंबर 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 1, 8 ईयर्स। ठीक है, जब आप कितने साल के थे, 8 ईयर्स के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा, ए यहाँ पे मैंने वो गलती से लिख दिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, आंसर 1, 8 ईयर्स। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ICPM। ठीक है, ICPM। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हो जाए, बहुत अच्छी ट्रिक है, इंसीजर्स। ठीक है, 2 नंबर पे आपका कैनाइन, 3 आपका प्रीमोलर, 4 हो गया आपका मोलर।
देखा बच्चों आपने कितनी अच्छी ट्रिक ये है जिससे आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ आपको नहीं समझ पा रहा हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। आंसर नंबर टू, ठीक है बच्चों, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है आंसर नंबर तीन करेंगे, राइट थ्री गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है आपको अपनी तीन गुड हैबिट बतानी है जिससे आप अपनी टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका आंसर आपका इसी में दिया गया, ये रहा। ठीक है ये रहा आपका आंसर नंबर तीन। ठीक है एक दो तीन, तीन के तीन पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ये आपका आंसर नंबर तीन हो गया। यहाँ से डेंटल केयर गुड हैबिट, पहला लिखेंगे वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, बीडी। ठीक है वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है आपको हर खाने के बाद ये रिंस करना है माउथ को। और वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और वॉश अनवॉशेबल ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ। ठीक है ये आपके तीन चीज़ हो गई। चलिए ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स, द सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग। ठीक है तो आपके एक से दो साल के अंदर टीथ आ जाते हैं, वन टू टू इयर्स। ठीक है बच्चों एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन सिक्स टू एट इयर्स। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और देखिए जो 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 बच्चा पार्टिसिपेट करा है तो उसको गिफ्ट तभी मिलेगा अगर वो वीडियो पूरी देख रहा है, डेली डेली मेरे चैनल से वर्कशीट कर रहा है और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।